नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा, हिंदी विभाग। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में रेडियो पत्रकारिता के बारे में बताने जा रही हूँ। आज का हमारा विषय है रेडियो पत्रकारिता। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडियो पत्रकारिता क्या है। रेडियो पत्रकारिता एक विशिष्ट कला है। यह एक ऐसी कला है जो समाचार और टेलीविज़न पत्रकारिता से कुछ भिन्न है। जब हम यह सोचते हैं कि रेडियो पत्रकारिता क्या है, तब प्रचार प्रसार के माध्यम के रूप में अन्य साधन भी हमारे सामने आ जाते हैं। वस्तुतः रेडियो के द्वारा समाचार सुनाया जाता है और सुना भी जाता है। इसे सुनने सुनाने का माध्यम ध्वनि और श्रवणदियाँ होती हैं। यह छपी हुई सामग्री और आँख का माध्यम नहीं है। मुद्रित और आँखों द्वारा जाने समझे जाने वाले माध्यम के रूप में समाचार पत्र का अपना अलग ही महत्व है। रेडियो पत्रकारिता के अंतर्गत कुछ विशेष तत्व शामिल हो जाते हैं। पत्रकारिता रेडियो के माध्यम से शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक परिवर्तन और स्वस्थ मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा रही है। रेडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची छोटी नहीं है, बहुत लंबी है। शास्त्रीय संगीत भी जन समुदाय द्वारा कार्यक्रम, नाटक, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञान के कार्यक्रम, महिला जगत, साहित्यिक पत्रिकाएं, कृषि जगत, स्पष्ट फिल्मी गीत, लोकगीत आदि सभी के श्रोता आज भी पर्याप्त मात्रा में हैं। इससे स्पष्ट है कि रेडियो पत्रकारिता की महत्ता अभी भी कम नहीं हुई है। जिन लोगों ने दूरदर्शन के आने से आकाशवाणी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों को अमहत्वपूर्ण करार दे दिया है, उनके विषय में आकाशवाणी के अवकाश प्राप्त केंद्र निदेशक श्री मुरली मनोहर मंजूल ने एक छोटी सी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है, क्या कारण रहा इसके पीछे? क्या दूरदर्शन का पर्दापण यह सच है कि देश में रेडियो की तुलना में टेलीविज़न का प्रसारण विस्फोटक रूप में हुआ? इस आकर्षक माध्यम की अपनी महत्ता है, उसकी एक वशीकरण शक्ति भी है, किंतु क्या परिवार में किसी नए के आ जाने पे बड़े भाई का महत्व कम हो जाता है? जो इसका बढ़ गया वह तो बड़ा ही रहेगा। समय ने जो अनुभव उसे दिए हैं वे उसी के रहेंगे। आज रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ी हुई है। प्रश्न यह है कि रेडियो पत्रकारिता में ऐसी कौन से ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनको रेखांकित किया जा सकता है। रेडियो पत्रकारिता में ज्ञान देने योग्य बातें जिनके बारे में हम अब बात करेंगे। पहला है, रेडियो पत्रकार के लिए आवश्यक है कि वह सीधी साधी और सरल भाषा का प्रयोग करे। भाषा में जितनी सरलता और सादगी होगी उतने ही अच्छे ढंग से श्रोता उसे ग्रहण कर सकेंगे। कई बार यह भी कहा जाता है कि रेडियो समाचारों की भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। भाषा का सरल होना, शैली का सादगीपूर्ण तथा रोचक होना इसलिए भी आवश्यक है कि एक बार जो वाक्य रेडियो से बोल दिया जाता है उसे श्रोता दोबारा नहीं सुन सकता। समाचार पत्र में यदि भाषा थोड़ी कठिन भी हो तो पाठक उसे समझने के लिहाज से दोबारा पढ़ सकता है। सेकंड पॉइंट है, इसमें रेडियो समाचारों के वाक्य
छोटे छोटे होने चाहिए। रेडियो के लिए समाचार लिखते समय यदि कोई वाक्य बड़ा हो गया हो तो उसे टुकड़ों में किंतु पूर्णता के साथ छोटे छोटे वाक्यों में परिवर्तित कर देना चाहिए। संक्षिप्त वाक्यावली को श्रोता आसानी से समझ सकते हैं। रेडियो समाचारों में प्रयुक्त वाक्य ऐसे हों जिन्हें एक सांस में पढ़ा जा सके। मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य रेडियो समाचार के लिए उपयोगी नहीं होते। प्रत्येक वाक्य स्पष्ट, सरल, प्रभावपूर्ण और संक्षिप्त होने के साथ साथ पूर्ण अर्थ का घोतक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एक ही वाक्य में सारा मसाला भर देने की कोशिश नहीं की जाए। एक वाक्य में एक ही सूचना का होना रेडियो के माध्यम में अधिक उपयोगी होता है। समाचार लिखते समय उन्हीं शब्दों का प्रयोग वांछनीय होता है जो प्रसंग और समाचार के भार को उठा सकें। रेडियो के लिए लिखते समय इस सिद्धांत को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि उसका आयोजन इस प्रकार का हो जैसे हम पाठकों के लिए न लिखकर श्रोताओं से बातचीत कर रहे हों। वह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ऐसा करके ही रेडियो समाचार के प्रसारण में अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेडियो में यथासंभव पूरे नामों का प्रयोग करना ठीक रहता है। नामों और पदों की आवृत्ति से भाषा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा, अतः इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। संक्षेप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो पत्रकारिता वर्तमान में जनसंचार का श्रेष्ठ श्रव्य माध्यम है। इसका विशेष महत्व है तथा इसके विकास की अनेक संभावनाएं भी दिख रही हैं। तो आज हमने आपको सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट में रेडियो पत्रकारिता के बारे में बताया और रेडियो पत्रकारिता में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं उनसे आपको अवगत कराया। धन्यवाद।